नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। चलिए हम इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, जैव विविधता। तो जो जैव विविधता है वो जो टॉपिक है इन्वायरमेंट साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट साइंस के कुछ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक कौन सा आपका हो गया, इको सिस्टम। ठीक है, फिर इकोलॉजी हो गया, इको सिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और क्या आपका पॉल्यूशन। ये जो चार टॉपिक हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आज देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या चीज है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो इसमें दो शब्द जुड़े हुए आपके हैं, क्या बायो और दूसरा क्या आपका है, डाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब क्या होता है, जैव, यानी कि जिसमें जान हो, जैविक सजीव वस्तु की बात करेगा ये। और विविधता यानी कि जो सजीव वस्तुएं होती है, जो सजीव पादप हो गया, जंतु समुदाय हो गया, इनमें जो विविधता पाई जाती है। ठीक है, सजीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे क्या हम बोलेंगे, जैव विविधता। तो आपको देखो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जो उसके जो शब्द होते हैं उसी में आपका सारा कुछ छुपा होता है। तो हमें क्या करना होता है, उस शब्द को पहचानना होता है। तो अब यहाँ इसका, अब देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया जैव विविधता। इसका मतलब क्या है, हम इस टॉपिक में बात क्या करेंगे, जो सजीव चीजें होती हैं उनमें जो विविधता पाई जाती है, ठीक है, उनकी तो बात करेंगे हम। तो हमें याद ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें समझना है केवल, हमें समझने पर फोकस करना है। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा समझेंगे याद तो अपने आप हो जाएगा फिर तो वो चीजें। ठीक है, और समझ के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, अपने आप किसी दोस्त को समझा सकते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं क्या है, कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ, द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है क्या बताता है, द टोटालिटी ऑफ जीन्स, यानी जीन हो गए इसके अंदर, स्पीसीज हो गए, इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन, यानी कि किसी भी रीजन के अंदर उसके अंदर कितने प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार की प्रजाति पाई जा रही है, कितने प्रकार के आपके इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं, इनका अध्ययन ही क्या कहलाता है आपका, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या है, इसका ये जो आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी होती है, अब कितने प्रकार की होती है, यानी कितने स्तर की होती है, लेवल क्या है आपके स्तर, तो कितने लेवल की होती है। देखो पहले हमने यहाँ पर क्या बोला, जीन, तो यानी कि क्या हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। फिर दूसरा हमने यहाँ पे क्या बोला आपको, स्पीसीज, तो यह क्या हो गया आपका, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया आपका। फिर इकोसिस्टम हमने आपको बताया, तो क्या हो गया आपका, इकोसिस्टम यानी कि कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी का हिंदी में क्या बोलेंगे आप, समुदाय। और इकोसिस्टम तो आपको पता ही क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो यानी इनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, इनको जो है ये इनका ही अध्ययन करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी में, यानी कि तीन स्तरों पर अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, एक तो हो गया जेनेटिक लेवल पर, यानी कि जीन्स के लेवल पे, स्पीसीज के लेवल पर, और कम्युनिटी और इकोसिस्टम के लेवल पर। अब हम सबको एक बार बारीकी से समझ लेते हैं अंतर क्या होता है। तो एग्जाम्पल हम आपको बहुत ही साधारण सा देंगे। यह पहला आपका है, आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है, तो आप देखे होंगे, आप एक प्रजाति ले लो। ठीक है, एक प्रजाति में हम कौन सा लेते हैं, प्रजाति मानव ले लेते हैं। सबसे आसान भाषा आपको यही चीज से समझाएंगे हम, मानव आपने देखा होगा, मानव को तो मानव को देखा होगा आपने, भारत में देख लो आप कितने प्रकार के मानव पाए जाते हैं, सारे हैं मानव, लेकिन सब में क्या है, अलग अलग जीन्स की वजह से क्या होता है, हर किसी का नाक अलग होगा, किसी का चेहरा जो होता है अलग आकार का होता है, किसी स्किन का कलर अलग होता है। ठीक है, लेकिन है तो सारे क्या है, मानव ही है। ठीक है, यानी कि एक ही प्रजाति के अंदर जो है जीन्स के, यानी कि जेनेटिक स्तर पर जीन्स, जीन्स क्या होती है, जो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है, आपको पता है ये। ठीक है, तो जीन्स के स्तर पर जो विविधता पाई जाती है, यानी कि जीन्स के स्तर पर जो विविधता पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आपको पता है कि आप जो हैं, आपका चेहरा जो है, या फिर आप जो आपकी पूरी बॉडी जो है दूसरे मानव से अलग है, अलग है किस लिए अलग है, किस लिए स्तर पर अलग है, वो जेनेटिक, यानी कि हमारे जीन्स अलग हैं और दूसरे व्यक्ति के जीन्स अलग होंगे कुछ, तो उसी के कारण ही तो होता है ये, हमारी शक्ल होती है वो दूसरे व्यक्ति की शक्ल से अलग होती है। ठीक है, हमारी सी जो पूरी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर जो है हम अलग करते हैं, दूसरे से अलग करते हैं, कि ये ऐसा ये डिफरेंस आता क्यों है दो व्यक्तियों के बीच में, ये कैसे होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होता है। देखो आपने देखा होगा, भाई भाई होते हैं उनमें भी जो अंतर होता है,
ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता उलता जुलता होगा लेकिन पूरी तरह से सेम टू सेम नहीं होते हैं। तो किस वजह से होता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगली डाइवर्सिटी क्या होता है, क्या मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे अब एक प्रजाति ले लो आप, मान लो तो एग्जाम्पल हम अच्छा आपको देते हैं, पक्षी ले लो आप, ठीक है, पक्षी बर्ड। तो आपने देखा होगा बर्ड, तो आपने देखा होगा बर्ड तो बहुत प्रकार की होती है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक प्रजाति हो गई आपकी बर्ड, ठीक है, और उसमें से कौन से बहुत सारे पक्षी हो गए उसके में देखेंगे आप, ठीक, कबूतर दे आप ले ले रहे एग्जाम्पल में अगर, तो एक कबूतर देखा होगा तो कहीं देखा होगा आप ग्रे कलर का कबूतर होता है, कहीं देखा होगा आपने सफेद कलर का कबूतर होता है वो, ठीक है। तो क्या ये एक प्रजाति विशेष में जो है जो डाइवर्सिटी होती है उसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, ये आपका हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी। मानव का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो मानव की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे आपकी निग्रो प्रजाति हो गई, ठीक है, और मंगोलाइड प्रजाति हो गई, ठीक है, और भूमध्य सागरीय एक प्रजाति होती है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी यानी हो गई प्रजाति है ना, एक नार्डिक प्रजाति होती है। तो क्या हो गया आपका, ये जो प्रजाति एक जो होती है उसमें जो विविधता यानी बहुत सारी प्रजातियां जो हो जाती बनती हैं उसको बोलते हैं क्या, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या आपका, अगला जो हमारा है वो कौन सा है, तीसरा जो हमारा है कौन सा, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, यानी कि जो समुदाय होता है और जो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो है हम जो डायवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम बनते हैं जिसकी वजह से एक डायवर्सिटी, डायवर्सिटी का सीधा सीधा आप मतलब ये समझिए विविधता, यानी कितने प्रकार की है वो, उनके यानी बहुत से प्रकार के होते हैं, जो कहने का मतलब सीधी सीधी आपका मोटा मोटा ये हो गया। अब इसको हम जैसे तीन स्तरों पे डिवाइड करते हैं, पहला क्या होता है आपका अल्फा डाइवर्सिटी, उससे बड़ा क्या होगा आपका बीटा डाइवर्सिटी होगा, उससे बड़ा क्या होगा आपका गामा डाइवर्सिटी होगा। तो इसको समझना बहुत ही आसान है आपको, मतलब ये आपका एक कोई क्षेत्र हो गया, ठीक है, यानी कि कोई इकोसिस्टम हो गया आपका ये पूरा, उसके अंदर क्या होगी एक कम्युनिटी यहाँ पे रहती है मान लो ये, ठीक है, तो अगर ये कम्युनिटी यानी कोई एक समुदाय है आपका, ये इस समुदाय के अंदर जो है जो विविधता पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे हम, कम्युनिटी में अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है, अल्फा नहीं छोटे स्तर का हो गया आपका, ठीक है, ये नाम है केवल, इनसे इनसे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा गामा ये मत समझ लेना कि जो केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने वो सब नहीं है, ये नाम रखे गए हैं उनके केवल वहां से। तो अल्फा हो गया आपका जो कौन सा होता है, जो समुदायों एक समुदाय के विभिन्न सदस्य होते हैं उनके बीच जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे आप, अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। अब मान लो आपको पता है एक रीजन में एक क्षेत्र में बहुत सारे समुदाय में रहते होंगे, है कि नहीं, अब अगर इन दी यानी ये एक समुदाय हो गया, एक ये समुदाय हो गया, एक ये समुदाय हो गया, तो जो ये इनमें जो विविधता पाई जाती है यानी ये समुदाय है, अलग अलग समुदाय हो गया ना, एक प्रकार का ये समुदाय होगा, दूसरी प्रकार का ये समुदाय हो गया, तीसरे प्रकार का ये समुदाय आपका हो गया, तो इसको क्या हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर क्या हम इसको जो पूरे को सम्मिलित कर लेंगे पूरा ये होल, इसको क्या हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी, यानी जो पूरा जो है आपका, ठीक है, तो इसको हम किस यानी कि छोटे लेवल का कौन सा हो गया अल्फा हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया यानी कि इसके बड़ा इसके बाहर ये हो गया आपका बीटा हो गया, और उसके बाहर क्या हो गया आपका गामा, यानी ये सबसे बड़ा कौन सा इसमें है गामा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्फा जो होती है डाइवर्सिटी वो किसमें होता है, विद इन अ कम्युनिटी, यानी कि समुदायों के बीच में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है एक समुदाय के अंदर ही, यानी कि ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा आपका बीटा डाइवर्सिटी, ये क्या होता है विभिन्न प्रकार के जो समुदाय बनते हैं उनके बीच जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि उनके बीच जो जैव विविधता पाई जाती है उसको बोलते क्या है बीटा डाइवर्सिटी। फिर गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, जो पूरा संपूर्ण यानी पूरा जो इकोसिस्टम होता है आपका उसमें सारे को शामिल, अल्फा भी उसके अंदर है बीटा भी उसके अंदर है, तो उससे क्या बन गया अल्फा और बीटा को मिला के क्या बन गया आपका गामा डाइवर्सिटी, समझ गया आपने, इतना आपको क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, अब हमारा है ये, अभी जब हमने पढ़ा है कि डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं हम, अब इसका इस्तेमाल क्यों है, मतलब ऐसा हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब प्रश्न तो ये उठेगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, इसका क्या हमें हम महत्व तो क्या है इसका है,
ठीक है। तो हम आप देखेंगे क्या है, यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि सर जो जैव विविधता होती है उसका महत्व क्या है, तो महत्व देख लेते हैं। तो पहला क्या महत्व आपका है, सोर्स ऑफ फूड एंड इम्प्रूव्ड वराइटीज, यानी कि खाने का हमारा स्रोत है और जो नई नई प्रजातियों के विकसित करने का स्रोत है। ये कैसे है हमारा स्रोत, देखो अगर मान लो आप खाना खाते हो तो आप देखते हो कि कभी आप खाते हो गेहूं की रोटी खाते होगे, कभी बाजरे की रोटी खाते होगे, कभी जौ की रोटी खाते होगे, कभी आप चावल खाते होगे यानी जो धान से मिलता है हमें, ठीक, कभी मक्का खाते होगे। तो कहने का मतलब अगर इसमें वैरायटी नहीं होती, अगर एक जैसा ही होता तो हमें क्या हमेशा एक जैसे खाना खाना पड़ता ना, तो हमें कितना हमें अच्छा नहीं लगता ना। तो हमारे लिए खाने के रूप में भी तो नए नए चीजें मिल रहे हैं, कभी गर्मी होगा तो वहां पे उस टाइम पे धान हमें मिलेगा, ठंडी जहाँ पे होगी वहां पे गेहूं मिलेगा, ठीक है। मक्का, मक्का दोनों गर्मी में भी होता है और ठंड में भी होता है, ठीक है। तो ये फायदा है डाइवर्सिटी का, क्योंकि देखो कुछ पौधे ऐसे होंगे जो सभी मौसमों में उगेंगे, जैसे आपका मक्का हो गया, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो केवल गर्मी यानी बारिश के मौसम यानी गर्मी वाले मौसम में रहेंगे, जहाँ तापमान अधिक होता है, कहने का मतलब। और कुछ ऐसे फसल होंगी जो आपके कहाँ होंगी, केवल ठंडे प्रदेशों में होंगी, ठीक है। तो इससे क्या हमें यानी कि डाइवर्सिटी होने का फायदा, पहला फायदा क्या हो गया, मानव की जो खाद्यान्न आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है, ठीक है। फिर दूसरा करते आपका वैरायटी है, तो हमें पता है कि अलग अलग वैरायटी के जो पेड़ होते हैं हम उनसे क्या होते हैं, नई वैरायटी को इम्प्रूव करके नई वैरायटी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये दूसरा हो गया क्या, इम्प्रूव्ड वैरायटी, यानी कि हम जो पहले से प्रजाति कोई मौजूद है उसके अंदर कोई खास बात है, दूसरी एक प्रजाति है उसके अंदर कोई खास बात है, इन दोनों को मिला करके हम नई प्रजाति बना लेंगे जो मानव के लिए जो है मतलब महत्वपूर्ण होगी, उसकी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करेगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, पहला क्या होगा, सोर्स ऑफ फूड हो गया, यानी कि खाने के जो है स्रोत है हमारे लिए बायोडायवर्सिटी। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में जब आप देखते हैं आम खाते हैं आप, ठीक है। तो अगर डायवर्सिटी अगर होती ही नहीं तो आम हम कभी खाने को मौका ही नहीं मिलता, हमें मिलता ही नहीं है हमको, तो डायवर्सिटी के कारण ही तो हमको मिल रहा, आम मिल रहा है। और ठंड के टाइम पे आपको देखा होगा आपने तो दूसरे फ्रूट्स मिल जाते हैं आपको हमें खाने के लिए, ठीक है। बारिश के मौसम में दूसरे मिल जाते हैं, यानी कि अलग अलग मौसम में जो है हमें अलग अलग जो फ्रूट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब कैसे होता है, डायवर्सिटी के कारण ही है ना, क्योंकि कुछ जो प्रजातियां हैं वो ठंड में उगती हैं, कुछ प्रजातियां जो होती हैं गर्मी में उगेंगी, कुछ प्रजातियां होंगी जो बारिश में उगेंगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, सोर्स ऑफ फूड हो गया एंड इम्प्रूव्ड वैरायटीज, और इससे जो है नई नई प्रजातियां भी जो है इम्प्रूव होती हैं यानी बनती हैं, हम बना सकते हैं उनको, है प्राकृतिक रूप से भी बनती हैं अलग ही, ठीक है। अगला क्या आपका है, ड्रग्स एंड मेडिसिन, तो दूसरा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी जो जैव विविधता होती है उसका दूसरा इस्तेमाल क्या होता है, देखो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रजाति की जो है पादप समुदाय उगेंगे, ठीक है, अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं। तो अब उससे होगा क्या, यानी कि प्रजाति विविधता हो गई ना, ये तो प्रजाति अलग अलग हमको मिलेंगी हमको, तो उससे क्या है? हमको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स मीन्स क्या है, यहाँ पे दवाई, दवा है ये, ठीक है, ड्रग्स एंड मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के निर्माण में यानी कि दवाइयों को बनाने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है दवाइयाँ कहाँ से बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं प्लांट से बनती है ना, प्लांट पौधों से बनती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कौन सी ऐसी दवाई है, तो पहली दवाई कौन सी आपकी, मॉर्फिन है, मॉर्फिन आपने सुना होगा नाम इसका। तो मॉर्फिन क्या इस्तेमाल किस चीज में होता है, पेन किलर है, तो क्या है, दर्द निवारक दवा है ये, पेन किलर। पूछ लेता है कभी कभी मॉर्फिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो पहला ऑप्शन दे देगा यहाँ पर, कुछ दूसरा दे सकता है, फिर पेन किलर दे देगा, तो आपका पेन किलर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या आपका, क्यूनाइन, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं क्यूनोन, ठीक है। तो क्यूनोन क्या होती है, तो क्यूनोन जो एक छाल जो पेड़ होता है, क्यूनोन वो छाल से प्राप्त होती है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल क्या होता है आपका, मलेरिया के इस्तेमाल में जो है इसका इस्तेमाल होता है क्यूनोन को। तो क्यूनोन जो दवाई होती है किसके मतलब क्या बोलते हैं, सुधार के लिए होती है, मलेरिया के उपचार के लिए होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं टैक्सोल हो गया, तो टैक्सोल जो होती है ये कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलेगी, या एक होता है उसका ट्री का नाम क्या है, पेड़ का नाम है यू, इसको क्या बोलेंगे, YEW है, आप यही याद रखिएगा। इस ट्री से जो है, इस पौधे से हमको मिलती, इसके पौधे की छाल होती है, ठीक है, इस पौधे की छाल से मिलती है आपको टैक्सोल,
बनती है दवाई, और इसका यूज क्या है आपका कैंसर की दवाई जो होती है ना, कैंसर को ठीक करने में एंटी कैंसर मेडिसिन बनती है इससे है। अच्छा, क्यूनोन जो दवाई है वो किससे बनती है? एक पेड़ होता है सिनकोना, नाम याद कर लीजिए, सिनकोना, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर तो उसको ऐड कर लीजिएगा, सिनकोना। तो सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है, छाल समझते हैं ना आप क्या होती है, ये पेड़ हो गया आपका मान लो, ठीक है, जो तना होता है, तने की जो ऊपरी सतह होती है आपकी, ऊपरी लेयर जो होती है आपकी, इसको बोलते हैं क्या, छाल, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क। तो इसी से बनती है आपकी है क्यूनोन को दवाई भी बनती है, और टैक्सोल आपकी दवाई इसी से बनती है। एक किससे बनेगी, जो मलेरिया के लिए जो क्यूनोन दवाई होती है वो सिंकोना पेड़ से बनेगी आपकी, और जो यू ट्री होगा उससे आपकी कौन सी बनेगी, कैंसर की उपचार के लिए टैक्सोल दवाई। तो इनके नाम याद रख लीजिए, कभी कभी परीक्षा में दे देता है ये कि निम्न को सुमेलित कीजिए, या फिर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। आजकल देखे भी होंगे यूपीपीसीएस या यूपीएससी बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देता है, तो ऐसे में क्या करेगा, एक साइड ये लिख देगा इनका नाम, एक साइड इनको, फिर इनको बोलेगा मैच करें आप इनको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद कर लें अच्छे से। अगला क्या है, एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स का मतलब क्या, एस्थेटिक मतलब जो दो देख करके आपको सुकून मिले, जैसे आप देखते होंगे कहीं भी बहुत से बाग वगैरह बगीचे लगे हैं, तो आपको सौंदर्य जो होता है बाग बगीचों का देख करके आपको एक खुशी, या फिर मतलब एक मनोरम दृश्य की जो एक अनुभूति मिलती है ना, बहुत अच्छा फील होता है आपको, फील गुड, तो वो चीज है आपकी एस्थेटिक, ठीक है। यानी कि कुछ देख करके, यानी प्राकृतिक सौंदर्य देख करके आपको जो है बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, एस्थेटिक। और दूसरा क्या है, कल्चरल बेनिफिट्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो कल्चर होते हैं उनमें कुछ पेड़ पौधों के जो बारे में होता है कि उनको प्रोटेक्शन की बात की जाती है, जैसे पीपल का पेड़ होगा हिंदू में, हिंदुओं में क्या, तो पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, ठीक है। ऐसे और भी सब समुदाय होते हैं, वो अपने क्या करते हैं, इन पेड़ों के लिए जो है प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पवित्र पेड़, यानी कि बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सैक्रेड, सैक्रेड, ठीक है, सैक्रेड प्लांट्स बोलेंगे इनको, या फिर सैक्रेड ट्री, ठीक है। तो ये ट्री ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया आपका, ठीक है। तो जैव विविधता होने के कारण ही तो हम कर सकते हैं पूजा, अगर मान लो जैव विविधता ना हो, खत्म हो जाए, तो बरगद का पेड़ हो सकता है खत्म हो जाए, पीपल का पेड़ खत्म हो जाए आपका, तुलसी का पेड़ आपने देखा होगा हर घर में तुलसी का पेड़ लगा होता है, उसकी पूजा करते लोग हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट हो रहा है। कैसे होता है, जो डायवर्सिटी का ये है, यही तो यूज है ना इसका, बायोडायवर्सिटी का यूज क्या है ये बताया जा रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, इसी में देखो आप कौन कौन से तरीके से होता कैसे है ये, तो इको टूरिज्म, आपने आजकल बहुत सुना होगा इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन, टूरिज्म का मतलब क्या होता है, पर्यटन, यानी कि घूमने का स्थान होता है आपका ना, पर्यटन टूरिज्म। वहां पे आपने देखा होगा बहुत से लोग ताजमहल को देखने जाते हैं, तो ये इको टूरिज्म नहीं हुआ, ताजमहल को देखना इको टूरिज्म नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है कान्हा नेशनल पार्क जाते हैं, दुधवा नेशनल पार्क जाते हैं आपके, ठीक है, और बहुत सारे पार्क हैं भारत में जहाँ नेशनल पार्क है, जहाँ पे बर्ड जाते हैं लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या आप, इको टूरिज्म। यानी कि जो जहाँ पेड़ पौधे वगैरह देखने जाते हैं, जीव जंतु लोग देखने जाते हैं, वो किसमें शामिल होगा आपका, इको टूरिज्म में, ठीक है। अगला क्या है, बर्ड वॉचिंग। तो बहुत से ऐसे स्थान हैं, जैसे राजस्थान का केवला देव आपका हो गया, तो वहां से बहुत से टूरिस्ट जाते हैं आपको देखने के लिए बर्ड को वाचिंग, इनको इंटरेस्ट है बर्ड को देखने में, चिड़िया उड़िया का देखने में उनको पसंद है उनको देखना, तो ये वहां पे जाते हैं घूमने के लिए। अगला क्या है, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ आपका क्या बोलते हैं, मतलब वन्य जीव, जहाँ पे कोई भी वन्य जीव का प्रोटेक्शन होता है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने देखा होगा सुना होगा बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी होती है, तो वहां पे क्या लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहां देखते हैं उन सब चीजों को देख करके आनंद प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, गार्डनिंग। तो बहुत से लोग क्या है गार्डन बनाते हैं ना, बाग बगीचे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब मुगल काल के समय में जो है बहुत सारे जो है गार्डन बनाए गए थे, आपने देखा होगा दिल्ली में मुगल काल में बहुत सारे गार्डन बनाए गए थे, ठीक है, तो वहां पढ़ा होगा। तो गार्डन क्यों बनाए गए थे, तो उनसे क्या, उनके उनमें घूमते थे वो राजा महाराजा लोग, और उनको उनसे क्या प्राप्त होता था, खुशी मिलती थी, प्रसन्नता आती थी सब चीजों से, ठीक है।
उनका ये क्या था, इंटरटेनमेंट का साधन था ये। सॉरी, अगला देख लीजिए क्या है, इकोसिस्टम सर्विस। अब यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है इसका ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को सर्विस करते हैं, यानी कि इसको इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में जो है मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इकोसिस्टम की क्या करते हैं, सर्विस। आपने देखा नहीं होगा कि तो बाइक की सर्विसिंग कराने जा रहे हैं हम, बहुत से लोग बोलते हैं ना बाइक की सर्विस कराने आ रहे हैं, जिसके बाद बाइक होती है तो मतलब बाइक को क्या करना है, ठीक करने कराने आ रहे हैं, जिससे वो क्या बाइक चलती रहे, उसमें कोई बाइक में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे क्या करते हैं, जो बायोडायवर्सिटी होता है वो क्या करेगा, इकोसिस्टम जो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, अगर आपने इससे पहले पढ़ा नहीं है कि इकोसिस्टम क्या होता है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि इकोसिस्टम होता क्या है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें जरूरत क्यों पड़ती है कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने की, यानी सर्विस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो क्या है अगला बताया हमने कि आपको यूजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी में, इसका भी एक रोल है कि इकोसिस्टम को क्या करता है, ये सर्विस करता है इसकी, यानी कि मेंटेन करता है, इसको बनाए रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो कैसे करता है, मेंटेनेंस ऑफ गैसियस कंपोजिशन, यानी कि जो वायुमंडल है, मतलब ये पृथ्वी आपकी हो गई, ये आपका वायुमंडल हो गया। अब ये क्या करेगा, वायुमंडल में जो है बहुत सारी गैसें हैं अलग अलग अनुपात में, तो उन गैसों के जो अनुपात को जो है बनाए रखने में सहायता करता है ये। ठीक है, उनको मेंटेन करता है ये। पेड़ पौधे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, इससे क्या होगा कि वायुमंडल होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, तो इससे क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा ना हमारा इकोसिस्टम पूरा, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए, मानव का जीवन किस लिए संभव है, ऑक्सीजन चाहिए ना उसको। ठीक है, अगला क्या आपका है, क्लाइमेट कंट्रोल बाई फॉरेस्ट। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट होता है, यानी कि वहां की जलवायु जो होती है, तो उसमें जो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जहाँ पे मरुस्थल होते हैं, वहां पे कैसा होता है माहौल, बहुत ही गर्म, और जहां पे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहां पे कैसा माहौल होता है, वहां का माहौल कैसा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, वहां बारिश ज्यादा होगी। ठीक है, वहां की जो मिट्टी उट्टी है उसको, उसके कटाव को रोकेगा वो। ठीक है, तो क्या करेगा, इसका मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा, कैसे, फॉरेस्ट के माध्यम से। ठीक है, अगला क्या है आपका, ओशियनिक सिस्टम। तो ओशियनिक सिस्टम में क्या आपका जाएगा, जो ओशियन है, ठीक है, तो ओशियन को भी बैलेंस करेगा। ठीक है, ओशियन में भी बहुत सारी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है आपकी। ठीक है, तो उसके अंदर जो फूड चेन होता है उसको रेगुलेट करेगा ये पूरा। तो ओशियनिक सिस्टम को जो क्या करेगा, ये पूरा मेंटेन करेगा, ओशियन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इम्बैलेंस आता है। ठीक है, मानवीय गतिविधियों से या फिर थोड़ी बहुत जो प्राकृतिक गतिविधियां होती हैं उनसे जो इम्बैलेंस उत्पन्न होता है ओशियन में, उसको ये मेंटेन कर देता है। कौन करता है, बायोडायवर्सिटी करेगा। फिर क्या है आपका, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। तो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मतलब क्या हुआ, कोई मान लो वनस्पति जो है प्राकृतिक रूप से अगर जो है कहीं पर छेड़छाड़ करती है, यानी प्रकृति के अगेंस्ट जाती है और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, तो ये क्या करेगा, जो वहाँ की बायोडायवर्सिटी है उस पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा वो। तो इसको बोलते हैं नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, या फिर कोई कहीं पे कोई रोग रोग आ गया, रोग लग गया किसी फसल के अंदर, ठीक है, किसी पेड़ वगैरह में, तो क्या करेगा, प्राकृतिक रूप से जो है वो उसको खत्म कर देगा। बायोडायवर्सिटी उसमें किसका महत्व होगा, बायोडायवर्सिटी का महत्व होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका कि यूज हो गया आपके लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्या है आपका, पॉलिनेशन। अब आपको पता है ये पॉलिनेशन क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परागण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो फूल है आपका, ठीक है, ये फूल दूसरा हो गया आपका, तो आपको पता होगा ये फूल जो होते हैं उनमें आपस में परागण के माध्यम से जो है रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इस पे कोई जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कोई बर्ड वगैरह होती है इस पर बैठेंगे, उनके पैरों में चिपक जाएगा, फिर दूसरे बर्ड में बैठेगा, तो यहाँ की चीज को ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, जिससे क्या होगा, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे क्या आपका, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाई इंसेक्ट एंड बर्ड्स। इसमें किसकी भूमिका होती है, इंसेक्ट मतलब क्या होता है आपका, कीट पतंगे जो होते हैं, छोटे छोटे कीटे नहीं होते, भावरा वगैरह हो गया आपका, तितली हो गई आपकी। ठीक है,
बटरफ्लाईज को बोलते हैं आप हैं, फिर बर्ड हो गए, पक्षी वगैरह होते हैं जो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी चीजों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है, पोस्टमैन की तरह, ठीक है, ये चीज यहां की चीज को यहां लेके जाएंगे, यहां की चीज को यहां लेके जाएंगे, तो इससे क्या होगी इनमें रिप्रोडक्शन होता है जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अगला क्या आपका है फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, तो आपको पता ही जब डायवर्सिटी होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्या करेंगे सॉइल को क्या करेंगे कंजर्व करेंगे आपके, ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह होंगे तो क्या करेंगे वो अपनी जड़ों से जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है, जो पेड़ होती है उसकी अलग पकड़ होती है, घास होगी उसके और मजबूत पकड़ होगी, तो हर किसी की अपनी अपनी पकड़ होती है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा सॉइल जो है कितनी होगी प्रोटेक्ट होगी, यानी कि उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा होगी आपकी, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मेशन, तो इनके यानी कि सॉइल यानी मृदा के निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, किसका बायोडायवर्सिटी का। अगला क्या है आपका कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल का जो है संरक्षण करना, यानी जल को बचाना, और दूसरा क्या है प्यूरिफिकेशन यानी जल को शुद्ध करना, यह भी काम किसका है बायोडायवर्सिटी का ही काम है, ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, जो जो पोषण जो तत्व होते हैं पोषक तत्व होते हैं उनको भी क्या करते हैं साइकिल, यानी कि उनको साइकिल कर साइकिलिंग चक्र चलाना, ठीक है, तो उसको भी काम करता है, ये सब काम करेगा बायोडायवर्सिटी। तो बहुत से आपने सुना होगा बहुत से जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करेंगे जो जल होता है उसके अंदर, मान लो कोई एक आप देख लेते हैं एक बार, मान लो कोई तालाब है आपका ये, ठीक है, इसमें बहुत सारे गंदे पोल्यूटेंट्स पड़े हुए हैं, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं वो क्या करेंगे अपनी जड़ों में इन पोल्यूटेंट्स को सोख लेंगे, ठीक है, और इसका जो जल होगा वो कैसा हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप कैसे प्योरीफाई करेंगे वो, ठीक है। और अगला देख लेते हैं थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, यानी कि बायोडायवर्सिटी को खतरा क्या है, क्यों हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इतना वो तो हमारे लाभकारी है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, अब हम देखते हैं इसे खतरा क्यों है बायोडायवर्सिटी को, यानी वो खतरे में क्यों आजकल चल रहा है, हम इसके प्रोटेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं आजकल हैं, क्योंकि उस पर खतरा मंडरा रहा है, तो खतरा कहाँ से आया पहले ये देख लेते हैं। तो पहला खतरा कहाँ से आया हमारा हैबिटेट लॉस, हैबिटेट, अब हैबिटेट को हमने उस दिन क्या बताया था आपको, हमने आपको बताया था आवास बोलते हैं ना, सो आवास जहाँ कोई रहता है, चाहे पेड़ रहे चाहे कोई जंतु जानवर रहे, तो उसको रहने के स्थान को क्या बोलेंगे हम हैबिटेट, या फिर दूसरा इसका नाम क्या बताया था हमने हिंदी में अधिवास, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हैबिटेट, हैबिटेट का लॉस हो गया, यानी कि उसका रहने का जहां रहता है उसी को खत्म कर दिया तुमने, नष्ट कर दिया उसका, तो इससे क्या होगी बायोडायवर्सिटी पे खतरा बढ़ रहेगा, यानी कि उसकी बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी कहने का मतलब, ठीक है। एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसके आवास को नष्ट कर देना। अगला देखो क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव, इसको बोलते हैं एग्जॉटिक स्पीसीज, यानी अब इसका मतलब पहले समझ लो, इंग्लिश के चक्कर में तो हिंदी में समझो क्या है इसका मतलब, कि मान लो सपोज दैट कोई एक इकोसिस्टम है, ठीक है, और एक इकोसिस्टम ये है, तो इसमें का कोई एक पौधा हम ला करके अगर यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और मान लो वो पौधा ऐसा है कि यहाँ के वो इतनी तेजी से इस क्लाइमेट में ग्रो कर रहा है कि आसपास के जो पौधे हैं उनका भी खाना खुद ही खाया जा रहा है, समझ गया, यानी कि उनको ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा ये जो बाकी यहाँ के जो प्लांट होंगे ये वाले प्लांट होंगे क्या हो जाएंगे वो नष्ट होने लगेंगे धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे मर जाएंगे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ये वाला ये तेजी से बढ़ता जाएगा, तो इससे क्या होगा यहाँ की जो स्थानीय जो है आपकी, ठीक है, वो प्रजाति तो नष्ट हो जाएगी, और जो विदेशी प्रजाति वो आकर के इसको जो है कब्जा कर लेगी, इस पर आक्रमण कर लेगी कहने मतलब, समझ गए होंगे आप, तो इसका मतलब क्या हो गया इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्ट हम कर रहे हैं ना, ये यहाँ से प्रजाति लेके आए यहाँ इंट्रोडक्ट कर रहे हैं इसको, हम इंट्रोडक्शन लेके आ रहे कर रहे हैं इसका, ऑफ नॉन नेटिव को भी ये रहने वाली यहाँ की इसको हम यहाँ लेके आ गए हैं, ठीक है, एग्जॉटिक इसको बोलते हैं, इसी को बोलते क्या एग्जॉटिक, यानी जो बाहर से कोई लेकर के चीज आते हैं हम इसको, तो इसको क्या बोलेंगे एग्जॉटिक चीज, ठीक है, बाहरी जो है प्रजाति है ये, तो आपने समझ लिया होगा कैसे है। जैसे आपने देखा होगा भारत की अगर बात कर लेते हैं, तो भारत में एक पौधा है उसका स्थानीय नाम क्या है बेसरमा,
बेशर्मा, उसको नाम ही इसलिए बेशर्म दिया गया है। क्यों दिया गया? वो इतनी तेजी से बढ़ता है उसको कि कहने को नहीं कुछ। वो स्थानीय प्रजातियों को क्या कर देता है, नष्ट कर लेता है, पूरी जगह फैल जाता है, खुद ही फैल जाता है। वो एक्चुअली कहाँ की प्रजाति है बेशर्मा? ये अमेरिका से लाई गई थी, ठीक है? तो अब उसने क्या कर लिया, यहाँ अमेरिका से आई थी वो प्रजाति, और यहाँ पे इंडिया में जब लाई गई वो, तो क्या हुआ, यहाँ यहाँ की प्रजाति को उसने नष्ट कर दिया और खुद ही पूरा कब्जा कर लिया। तो आपने देखा होगा बेशर्मा को, आपने गांव ग्राम जो रहते होंगे लोग तो बहुत उनको देखा होगा ना, तो उसको गाय खाती है, यानी कोई जंगली जानवर भी उसको नहीं खाता है, और इसीलिए क्या होता है, तेजी से वो बढ़ता है वो, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई हमको विदेश बाहर की प्रजाति को अगर दूसरी जगह इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या खतरा होता है जो वहां की स्थानीय प्रजाति को, ठीक है? आपको समझ में आ गया स्थानीय जो जैव विविधता है उसको खतरा क्या है, ठीक है? अगला क्या आपका है, ओवर एक्सप्लोटेशन। अब ओवर एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या हुआ, ज्यादा किसी चीज का दोहन करना, ठीक है? मान लो आपको पता है कि जो एक खेत है, मान लो आपका ये प्राकृतिक रूप से इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है, अपने आप ये खुद को फर्टाइल करता रहता है, लेकिन क्या करेंगे अब, अगर हर मौसम में इसे खेती करते रहेंगे, लगातार खेती ही करते रहेंगे इस पे, इसको बीच में कभी भी पड़ती नहीं छोड़ेंगे, यानी खाली नहीं छोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो इसके न्यूट्रिएंट होंगे सारे खत्म हो जाएंगे, इससे ये लैंड कैसी हो जाएगी, बंजर भूमि में बदल जाएगी आपकी। तो ये क्या हुआ, ओवर एक्सप्लॉइट किया ना आपने, ठीक? ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब अति दोहन, यानी बहुत ज्यादा दोहन कर लेना किसी चीज का, ठीक है? तो ये हो गया आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन का उदाहरण। सॉइल के लिए दे दिया उन्हें, वाटर आपको पता है, अगर वाटर हमको पता है क्या, ग्राउंड वाटर आपका जो है, मान लो जो पृथ्वी है आपकी सतह है, उसके नीचे पानी भरा हुआ है ग्राउंड वाटर में, अगर क्या करेंगे, अब हो ये पहुंचता कैसे है, बारिश का पानी होता है ये, ठीक है? बारिश का पानी ही तो नीचे आता है धीरे धीरे, और ये कब, बहुत सालों में इकट्ठा होता है, सैकड़ों हजारों सालों में इकट्ठा हुआ पानी है। तो अगर हम क्या करेंगे, पाइप के माध्यम से इसको हम ज्यादा मात्रा में दोहन कर लेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना ये कि खत्म हो जाएगा ये, तो रिचार्ज होने में तो इसको हजारों वर्ष लग रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी ज्यादा मात्रा में अगर इसको निकालेंगे आप पानी को, तो इसका ग्राउंड वाटर लेवल जो है क्या, बहुत नीचा हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक है? अगला है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन तो आपको पता ही होगा, ये जो नाइट्रोजन हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, ओजोन हो जाती बन जाती है जो आपकी, ठीक है? बहुत सारी जो पोल्यूटेंट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये सारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अगर ये पोल्यूट होंगे, हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट होगा तो किस क्या हो जाएगा, उससे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, उससे खत्म हो जाएगी, नष्ट होने लगेगी, तो उसके लिए खतरा है ये। तो सॉइल अगर खत्म हो जाएगी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरा हो जाएगा, यानी कि अगर सॉइल को हम बंजर कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो जाएगा। फिर वाटर, अगर पानी की कमी होगी, जब पानी ही नहीं होगा तो पेड़ पौधों को मिलेगा क्या, तो ये खतरा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है? एटमॉस्फेरिक, अगर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि पेड़ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो किसके लिए खतरा हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के लिए। अगला देख लेते हैं क्या, इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड डिफॉरेस्टेशन। अब इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता, अतिक्रमण करना, ठीक है? मान लो कहीं भी पहले जो है भारत, जो आपको एग्जांपल सुनाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, ये आपका होगा यूपी, ठीक है? ये हो गया आपका बिहार, तो आपको पता है ये हिमालय हो गया आपका, ठीक है? हिमालय के साथ साथ आपका एक क्षेत्र आपका यहाँ पे आता है तराई क्षेत्र, पता है आपको ना, ठीक है? तराई क्षेत्र, तो तराई में क्या हो, दलदली भाग है, यहाँ पे क्या है, खूब सारी वनस्पति उगी हुई होती है, लेकिन मानव ने क्या किया, यानी कि मानव ने क्या किया, हमको तो क्या करना था, इसको खत्म करके उसने क्या कर दिया, इसको काट दिया उसने, वनस्पति को नष्ट कर दिया उसने, और यहाँ पे क्या करने लगा, वो खेती करने लगा, खेती कर रहा है ना आजकल मानव, देखा होगा आपने बिहार और ये साइड में, तो तराई क्षेत्र है वहां को काट छाट कर क्या है, यहाँ की जो लैंड है, भूमि है, बहुत ही फर्टाइल है वो, तो उसने क्या किया, यहाँ की जो वनस्पति थी प्राकृतिक वनस्पति उसको काट पीट डाला, और उसको यहाँ पे क्या करने लगा, खेती करने लगा। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, इनक्रोचमेंट, यानी इनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण, तो हमने अतिक्रमण कर दिया ना इस पे मानव ने, और फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि पहले ये फॉरेस्ट थे, यहाँ पे फॉरेस्ट लगे हुए थे, और डिफॉरेस्टेशन इसी को बोलते हैं, यानी पेड़ों को जो काट देते हैं ना उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, समझ गए? तो ये आप समझ गया होगा आपने कैसे हुआ, तो ये थ्रेट है किसको, बायोडाइवर्सिटी को है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती थी वो तो नष्ट हो गई ना,
अब वो नष्ट हो जाएंगी तो फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट हो गया, खतरा हो गया ना ये तो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या उगा रहे हैं, अब मैन आदमी उगा रहा, क्या उगा रहा है, चावल यहाँ उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, मक्का उगा रहा है यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से आपके कि थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी खतरा क्या है जैव विविधता को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला क्या है, अब जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी कि जिसका क्या हो जाए, उन्मूलन हो जाए, यानी कि बचे ही ना वो पृथ्वी पर, ठीक है। तो हमने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि जो बायोडायवर्सिटी को थ्रेट था, खतरा था बायोडायवर्सिटी को, तो ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वो यानी कि समाप्त हो गया, अब है ही नहीं मतलब इस दुनिया में, फिर पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजाति का नष्ट हो जाना, कि खत्म हो जाना, एकदम उन्मूलन हो जाना, अब उनका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, तीन तरह से हो सकता है ये। पहला क्या है, नेचुरल एक्सटिंक्शन, यानी प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या होता है, ये बहुत ही साधारण होता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में होता है एक्चुअली। जैसे आपको पता है कि पूरी पृथ्वी है, तो इसमें क्या विभिन्न समय समय पर क्या हुआ है, इनके जो यहाँ की जलवायु है पूरी पृथ्वी की, वो समय समय पर क्या हुई, परिवर्तित हुई है, ठीक है। इन जलवायु के परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, कुछ प्रजातियां जो हैं बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाती। मान लो आपने देखा होगा कि चतुर्थ एरा में बोलते हैं कि इसमें पूरी पृथ्वी पे क्या आया था, हिमयुग आया था, हिमयुग, तो पूरी पृथ्वी पे जो है क्या, हिमयुग आया था। तो हिमयुग के समय क्या होगा, सब जगह बर्फ बर्फ ही होगा, ठंडा हो गया, यानी पूरी पृथ्वी कैसी होगी, ठंडी हो गई। तो अब इनमें कौन सी प्रजाति बचेगी, आप खुद बताइए, वही प्रजाति तो बचेगी जो ठंडे क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। और जो गर्म क्लाइमेट वाली थी प्रजातियां, वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, नेचुरल एक्सटिंक्शन, क्योंकि ये प्राकृतिक कारणों से हुआ, हमने नहीं किया है, ये नेचुरली हुआ है ये। जैसे आप देख लेते हैं आप डायनासोर, तो आपको पता है डायनासोर के बारे में कि हमने कब सुना, हमें पता है कि डायनासोर एक समय था कि डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है, डायनासोर हुआ करते थे, इसका मतलब क्या है। और डायनासोर रहते कहाँ थे, वो जो कर्क और मकर यानी गर्म प्रदेशों के रहने वाले प्राणी थे, डायनासोर कहाँ पाए जाते थे, गर्म प्रदेशों में, ठीक है। अब खत्म कैसे हुआ, आपको पता है ये डायनासोर खत्म कैसे हुए हैं, कि एक उल्का पिंड हुआ आया, मतलब यानी पृथ्वी जो है उस पर उल्का पात हुआ, यानी उल्का पिंड आके गिरे इस पे, टकराए पृथ्वी से, इससे हुआ क्या। अब ऐसा तो है नहीं कि डायनासोर यहाँ पे थे और सीधे उनका उल्का पिंड उसके यहाँ पे उसके ऊपर आके गिर गया, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। उल्का पिंड आया, गिरा पृथ्वी से, टकराया, तो पृथ्वी से जब टकराया, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धूल उड़ी कसके, ठीक है, टकराती है कोई चीज उससे तो धूल उड़ी ऊपर, जो कहाँ फैल गई, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में फैल गई आपकी धूल। अब धूल में अगर एटमॉस्फेयर फैल गई है, अब आपको पता है यहाँ सूरज है आपका, धूल में अगर एटमॉस्फेयर होगी तो अंदर जाएगा सूर्य का प्रकाश, नहीं जाएगा तो सूर्य का प्रकाश यहीं से वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पहुंचेगा नहीं, तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा आपका, ठंडा हो जाएगा आपको, ठीक है। अब पृथ्वी का तापमान अगर ठंडा हो गया, अगर यहाँ पे जो जीव रहते हैं, मान लो अब डायनासोर था वो गर्म प्रदेशों में रहने वाला था, जब पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, बस इसीलिए आपके डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। वो कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे, नेचुरली, नेचुरल, उसमें मानव का कोई रोल नहीं था, क्योंकि मानव था ही नहीं उस टाइम पर, ठीक है। तो आपने समझ गए होंगे नेचुरल एक्सटिंक्शन होता क्या है आपका, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, कैटेस्ट्रॉफिक बोलते हैं, यानी कि प्रलयकारी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो कोई जब प्रजाति एक साथ नष्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मास एक्सटिंक्शन, समझ गए। अगला क्या है आपका, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अब एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब क्या होता है आपको पता है, मानव। अब मानव आएगा तो जानते हैं कुछ कुछ ना कुछ तो करेगा ही, वो उसका काम ही है ये, कुछ ना कुछ आके बिगाड़ देना। तो मानव ने क्या किया, बहुत अपने जो कर्म किए ना उसने बहुत सारे, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी जो प्रजातियां जो है खत्म हो गई। जैसे क्या क्या किया उन्होंने, मानव ने क्या किया, शिकार किए, मानव ने क्या किया, शिकार किया, हंटिंग की एनिमल्स की, तो
आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे तो शिकार ऐसे किए गए कि खत्म ही हो गए हैं। जैसे आप देख लेते भारत की बात कर लें तो भारत से जो है चीता जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें मानव का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि तो मानव ने क्या किया है, उसके जो हैबिटेट था यानी कि जो आवास था उसको नष्ट कर दिया पहले तो, और बाकी जो बचे खुचे थे उनका शिकार करके जो है बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत में कौन सी प्रजाति जो है नष्ट हो चुकी है, तो कौन सी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी, कहने का मतलब तो चीता हो चुकी है, चीता भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आया हुआ यूपीएससी का 2014 का क्वेश्चन है, उसमें दे रखा था निम्न में से कौन से जो है मैच कीजिए जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो चीता ही था ऑप्शन आपका। तो वही आपका आंसर जिसने लगाया हुआ उसका सही हो गया होगा। ठीक है, तो ये होगा कि यानी कि मानव जो है बहुत ज्यादा रोल निभा रहा है आजकल, इतना ज्यादा। अभी देख लो, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आपकी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे क्या होगी, बहुत सारी प्रजातियां जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये किसके कारण हुआ, मानव के कारण हुआ ना, क्योंकि मानव तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन क्या होता है आपका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब जो बायोडाइवर्सिटी हो रही है इतना महत्व है इसका, लेकिन ये क्या है, समय के साथ क्या हो रही है, खतरा उत्पन्न हो रहा है, इस पे नष्ट हो रही है बायोडाइवर्सिटी भारत की और विश्व की पूरे। तो ऐसे में क्या है, एक संगठन है जिसका नाम क्या है, IUCN। ठीक है, तो ये करता क्या है, IUCN जो एक रेड लिस्ट बनाता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें जो है बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनको कैटेगराइज करती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांटती है कि वो कैटेगरी यानी किस श्रेणी में जो है जानवर, कौन से जानवर हैं जो खतरा जिनके जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और कौन से हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है, कौन ऐसे जो है क्रिटिकल में है, कौन से एंडेंजर्ड में है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी में बांट रखा है पूरे। ठीक है, तो वो किस लिए बांटा गया है, जिससे क्या है, इन जिन पे खतरा मंडरा रहा है यानी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है या फिर वनरेबल है, उनको क्या है बचाया जा सके, जिससे क्या भविष्य में बने रहें, ये ऐसा ना हो कि खाली किताबों में ही देखने को मिलेगा शेर आपको वरना। ठीक है, तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, विश्व वैश्विक लेवल पे भी किया जा रहा है और क्षेत्रीय लेवल यानी कि भारत के स्तर पर भी बहुत सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं, किसको, इन प्रजातियों को बचाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर चला जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट कछुआ चल रहा है, प्रोजेक्ट आपका डॉल्फिन चल रहा है, ये सब क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हमें सभी प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकता है वर्तमान में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो IUCN जो रेड लिस्ट है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं मोटा मोटा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि IUCN जो रेड रेड लिस्ट जारी करती है यानी कि रेड बुक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नाम ही लग रहा है रेड, रेड का मतलब खतरा, किसके खतरा है, बायोडाइवर्सिटी का खतरा है। तो ये किस चीज के लिए जारी किया थी, तो इसमें पहला आंसर आपका क्या हो रहेगा, ये किससे संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। ठीक है, फिर इसका जो शुभंकर यानी कि लोगो क्या है, तो क्या नाम इसका लोगो क्या है आपका, रेड पांडा, अक्सर पूछा जाता है कि इसका लोगो क्या है, तो इसका लोगो आपका क्या है, पांडा, रेड पांडा, जो कहाँ पाया जाता है आपका, चाइना में पाया जाता है। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं इसका जो ये बुक है इसका यूज क्या है, क्यों जारी की जाती है, इतनी मेहनत क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि डाटा चाहिए होता ना कि कहाँ पे कौन सी प्रजाति नष्ट हो रही है, कितनी मात्रा में प्रजाति पाई जा रही है, तो काफी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को, ऐसे थोड़ी मिल जाता डाटा इनको। ठीक है, तो अब क्यों जारी की जाती है, उसका रीजन क्या, उनके उद्देश्य क्या है, मतलब। तो पहला क्या है, डेवलपिंग अवेयरनेस, ये अवेयर करेंगे किसको, अवेयर करेंगे जो मानव हमारा है वर्तमान समय का। ठीक है, क्या करेंगे, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है। ठीक है, अगर खत्म हो जाएगी तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, देखो आपको भी, तो मैंने आपको जागरूक करने का जो प्रयास किया है ये। ठीक है, तो यही चीज है, तो ये इसका काम एक है IUCN का। दूसरा क्या आपका है, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान करना। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, उसको लिखना, उसको डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करना, यानी कि पहचानना किसको, इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि ऐसी स्पीशीज को पहचानेंगे ये लोग कि किसको जो है खतरा है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में कौन कौन सी आ रही हैं, तो उसकी जो है उसका डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, हर साल जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, प्रोवाइडिंग ग्लोबल इंडेक्स ऑफ
डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये जारी करते हैं एक इंडेक्स को, यानी सूचकांक को जारी करते हैं, जिसमें बताएंगे कि कितना जो है बायोडाइवर्सिटी में जो है कमी आ रही है, यानी कि कौन कौन सी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, कितने हजार प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। इन सब चीजों को जो है इंडेक्स के माध्यम से जो है प्रोवाइड कराते हैं पूरे वैश्विक लेवल पर, ठीक, विश्व के लेवल पर। चौथा आपका क्या है, डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट द लोकल लेवल, यानी कि लोकल है स्थानीय स्थानीय स्तर पर, यानी स्थानीय स्तर पर जो है बताते हैं ये कि कैसे जो है कंजर्वेशन किया जाए, उन किस किस चीजों को महत्व दिया जाए, प्रायोरिटी मतलब दी जाए, ठीक है। एंड गाइडलाइन कंजर्वेशन एक्शन, यानी कैसे किया जा सकता है, ये सब पूछा बताती हैं कि कंजर्वेशन को कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आजकल पता ही आपको है कि जो समुदाय होते हैं ना लोकल स्तर पर, यानी कि स्थानीय स्तर पर, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। उन्हीं के सहयोग से तो करेंगे, स्थानीय लोग हैं उन्हीं के सहयोग से, मतलब गांव हो गया आपका ये, तो गांव में अगर बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना है हमको, तो गांव के लोगों का सहयोग चाहिए होगा ना, तभी तो वहां पे हो सकता है। तो स्थानीय स्तर के जो लोग होते हैं उनको सहयोग, उनका सहयोग बहुत जरूरी है आजकल के समय में, ठीक। सारा कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट किसकी सहायता से करेगा, जो स्थानीय लोग हैं उनके सहायता से करेगा सारे काम, ठीक है। तो यही इसने लिखा हुआ है, डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज, यानी कि कौन कौन से जो हैं प्राथमिकताएं हैं कंजर्वेशन करने की, संरक्षण करने की। फिर दूसरा क्या है, गाइडिंग कंजर्वेशन एक्शन, यानी कैसे किया जा सकता है, उनको गाइड करते हैं वो लोग, ठीक है। अगला क्या आपका है, अगला हम देखेंगे कि जो IUCN है वो कितने तरह से जो है कैटेगराइज करती है, ठीक है, स्पीशीज को जो है। तो IUCN जो है आपका, IUCN हैज रिकॉग्नाइज्ड 8 रेड लिस्ट कैटेगरीज। तो रेड लिस्ट जो हमने वही बताई आपकी, रेड डाटा बुक जो है आपकी, रेड डाटा बुक, उसमें कितने तरह की कैटेगरी बनी हुई है, 8। अब पूछ सकता है पीटी में आएगा, UPSC में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि रेड लिस्ट जो कैटेगरी होती है उसमें स्पीशीज को जो है कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा गया है, फिर पूछ सकता है। तो 8 यानी 8, तो 8 है आपको याद रखना है, 8 नंबर याद कर लेना इसका बस, कि 8 भागों में उसको जो हम डिवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी है ये, ठीक है। तो कौन कौन सी है आपकी है ये, तो पहला आपका जो है कौन सा है, एक्सटिंट। एक्सटिंट का मतलब हमने आपको पहले ही बताया, एक्सटिंट का मतलब क्या होता है, उन्मूलन, यानी जब जो खत्म हो चुका है, अब पृथ्वी पे उसका अस्तित्व नहीं रह गया है। जैसे आपका देख लेते हैं डायनासोर, डायनासोर हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये अब पृथ्वी पे नहीं है अवेलेबल, ठीक है। दूसरा क्या आपका है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है, जहां इनका आवास है, जहां रहते थे, यानी जो जंगल है आपके, उन वहां पे ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है, वहां पे ये खत्म हो चुके हैं। देखिए इसमें थोड़ा अंतर है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, जो खत्म हो चुके बिल्कुल, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी कि जंगल, जहां जहां इनका रहने का स्थान है वहां खत्म हो चुका है। हो सकता है इनको किसी चिड़ियाघर में तो उनको संरक्षित किया गया हो, ठीक है, किसी लैब में रखा गया हो, वो अलग चीज है, लेकिन जहां पर रहना इनका आवास है वहां पे, वहां से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उन्मूलन हो चुका है इनका। तो दोनों में आपका माइनर सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि मैंने बता दिया है कि इसमें अंतर क्या है, ठीक है। अगला क्या आपका है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इंडेंजर्ड हैं, यानी कि थोड़े ही बचे हैं अब, ज्यादा मतलब वही होंगे 1,000-1,500 ही होंगे बस, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि जल्द ही अगर इनके संरक्षण का काम नहीं किया गया, जल्द ही अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कौन था, पिग्मी हॉग। अब आपको आज का एक काम देते हैं कि आप पिग्मी हॉग को इंटरनेट पर सर्च करिए और पता करिए कि कैसा दिखता है, इसको देख लीजिए एक बार, और फिर पता करिए रहता कहाँ है, ठीक है, किस क्लाइमेट में रहता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आपने देखे होंगे पुराने क्वेश्चन में, तो पूछेगा पिग्मी हॉग जो है कहाँ रह, उसका दे देगा स्टेटमेंट कि ये भारत के इस भाग में पाया जाता है, ठीक है, इसकी ये इस जलवायु में रहता है, या फिर स्टेटमेंट देगा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, किस में है, आप चुनाव करें। तो हमको याद रखना है क्या है, ये किस अवस्था में चल रहा है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है, इनको जो है प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वह आने वाले कुछ समय में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे,
अगला आपका देख लेते हैं इंडेंजर्ड। अब इंडेंजर्ड कौन से होंगे, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है लेकिन इंडेंजर्ड है, यानी कि इनके पे खतरा मंडरा रहा है बहुत ज्यादा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं तो कौन सा आपका है, रेड पांडा, जो आपका रेड बुक जो डाटा लिस्ट है उसका लोगो भी है आपका रेड पांडा, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड में आएगा। बहुत आते हैं क्वेश्चन, बोलेगा रेड पांडा निम्न में से किस कंडीशन में आता है, किस श्रेणी में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है या एक्सटिंक्ट हो चुका है या फिर इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, और आपको राइट आंसर चुनना होता है। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा जो यूपीपीसीएस है, जो यूपीपीसीएस यूपीएससी के राह पे चल रहा है इस टाइम पर। तो अब आप जो भी आगे आने वाले एग्जाम हो, चाहे बीईओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का जो आपका 2020 का आने वाला एग्जाम है पीटी का, सब में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा टफ लेवल के होंगे, ये यूपीएससी टाइप के होंगे। तो आपको जो है बहुत ही अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब फैक्ट कम आ रहा है देखा गया है, थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आपने महसूस किया होगा अभी आपके जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएस 2019 वाले में, ठीक है। तो हमें अगर एग्जाम के लिए क्लियर करना है तो हमें भी अपनी अप्रोच को चेंज करके पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं वनरेबल। वनरेबल को हिंदी में बोलते हैं सुभेद, ठीक है, सुभेद। तो आप इंग्लिश में याद कर लें, हिंदी का थोड़ा वर्ड जो है थोड़ा टफ है। तो वनरेबल जो है, वनरेबल कौन सा होंगे, जो इंडेंजर्ड से जो है कम डेंजर में है, डेंजर में, इनको भी यानी कि प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है। भविष्य में जो है इनके जो है इन पे भी खतरा उत्पन्न होने वाला है, और इसका एग्जांपल आप देंगे तो कौन सा आएगा, ब्लैक बक, काला हिरण बोलते हैं जिसको, है आपने तो देखा ही होगा, वो एक मूवी बनी थी ना उस टाइम पे, काला हिरण खाने का मामला चला था, काले हिरण का शिकार, तो उसमें काफी लोगों पे केस चला था, ये ब्लैक बक, तो काला हिरण है ये। तो कहाँ मिला था आपको, मिलता है ये राजस्थान वाले इलाकों में भी मिलता है ये, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, वनरेबल, यानी कि अभी तो खतरे में नहीं है ये, अभी तो इन पे इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन भविष्य में जो है हो सकता है, इसलिए जो है इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है अब, ठीक है। अगला क्या है, लोअर रिस्क, यानी कि ये वो लोग हैं जिन पे यानी कोई रिस्क नहीं है, मतलब बहुत ही कम रिस्क है, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में अभी प्रेजेंट टाइम में है। अगला क्या है, डाटा डेफिशिएंट, तो इनमें उनको शामिल किया था जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं ज्यादा, जिनके बारे में डाटा नहीं हमारा है, हमारे पास है, तो ये अगली कैटेगरी होगी। और जो आठवीं और लास्ट कैटेगरी है आपकी, वो कौन सी है, नॉट इवेल्युएटेड, यानी कि अभी इवेल्युएट नहीं किया गया है उनको, यानी कि उनकी जनगणना नहीं की गई है, कहने का मतलब, ठीक है। तो आज ये आपका रहा है बायोडाइवर्सिटी। अभी हम इसमें अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या बात करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम कंजर्व करेंगे, यानी कि संरक्षित करेंगे। तो उसमें हम आपको अच्छे से बता देंगे कि कैसे कौन कौन से तरीके हैं, और कौन इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, नेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, जो राज्य सरकारें हैं वो क्या कर सकती हैं इसके मामले में, इनको कंजर्व करने के मामले में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो तो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।